नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई आज जो है आप सभी के लिए मैं दोबारा से हाजिर हूँ बहुत सारी क्रिकेट की न्यूज लेके, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सच्चे वाले क्रिकेट फैन हो, चाहते हो कुछ क्रिकेट की खबर आपके पास पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हो, चाहते हो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले, अगर आप सभी हमारे वीडियोस को रोजाना देखते हो और अच्छे से देखते हो, तो मैंने जो है आपको एक न्यूज बताई थी कि जनवरी 2020 में जो है बीसीसीआई जिम्बाब्वे के बदले में श्रीलंका को रिप्लेसमेंट के तौर पे बुला सकती है 3 T20 सीरीज के लिए। दोस्तों आज जो है ऑफिशियली बीसीसीआई ने इसको कंफर्म कर दिया है कि जो जिम्बाब्वे है उसका टूर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों जिम्बाब्वे के बदले में जो है जनवरी 2020 में श्रीलंका आने वाली है भारत में और खेलेगी 3 T20 मैच की सीरीज। 5 जनवरी, 7 जनवरी और 9 जनवरी को होने वाले हैं गुवाहाटी, इंदौर और पुणे में 3 T20 के मुकाबले। तो भाई इस बात पे जो है वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। भाई अब बात करते हैं गंभीर मुद्दे की, जो कि अभी जारी है केपीएल में फिक्सिंग के द्वारा। यहाँ पे जो है बीसीसीआई ने और जो पुलिस है दोस्तों, उन्होंने जो है कुल 12 प्लेयर्स को पकड़ा है केपीएल में फिक्सिंग करते हुए। लेकिन आज जो है बीसीसीआई ने ऑफिशियली एक टीम के ओनर और उसके टीम का नाम घोषित किया। यहाँ पे दोस्तों बेलगवी पैंथर के ओनर अली असफाक को जो है फिक्सिंग करने के दौरान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और ये जो है काफी शर्म की बात है बेलगवी पैंथर और उनके ओनर असफाक अली के लिए। जहां पर दोस्तों असफाक अली ने जो है केपीएल में फिक्सिंग की थी, इसको माना है, और वो जो है 12 प्लेयर के साथ में की थी। अभी जो है उन 12 प्लेयर्स का नाम आना बाकी है, लेकिन एक बात जो है कंफर्म हो चुकी है, और वो जो है अली असफाक बेलगवी पैंथर के ओनर को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है केपीएल में फिक्सिंग करने के कारण। भाई अब बात करते हैं बुमराह की। बुमराह जो है बाहर हो चुके हैं अफ्रीका के सीरीज से, टेस्ट मैच से, लेकिन बात करते हैं बुमराह की इंजरी कितनी गंभीर है और वो कब वापसी कर सकते हैं। भाई बुमराह को जो है लोअर बैक इंजरी है, और मैंने जो है नेट पे रिसर्च करके ढूंढा है कि ये जो इंजरी है दोस्तों, इसको जो है ठीक होने में 8 से लेके 12 हफ्तों का समय लग सकता है। मतलब कि दोस्तों बुमराह जो है 2 या फिर 3 महीने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कंप्लीटली दूर रह सकते हैं, और ये जो है बुमराह के लिए अच्छी खबर नहीं है। भाई हम सभी भारतीय फैंस चाहते हैं कि बुमराह जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और उसके लिए जो है बुमराह को करना होगा आराम। अगर बुमराह आराम करते हैं तब जो उनकी इंजरी है शायद से जल्दी ठीक हो जाए, और वो जो है बहुत जल्द भारत में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं भाई कुछ रिकॉर्ड्स की। तो कल जो है इंडिया वुमेन वर्सेस मैच हुआ साउथ अफ्रीका वुमेन्स में, भाई उसके अंदर जो है 15 साल की क्रिकेटर शेफाली वर्मा का जो है डेब्यू था, और ये जो है काफी ऐतिहासिक पल था। लेकिन हालांकि ये दूसरी बात है कि शेफाली वर्मा जो है 0 रन पे आउट हो गए, लेकिन 15 साल की उम्र में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करना ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। सेकेंड रिकॉर्ड, भाई दीप्ति शर्मा ने जो है भारत की बन चुकी है पहली खिलाड़ी मेंस और वुमेन्स ने, जिसने जो है अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4 ओवर में भाई 3 मेडन फेंके। भाई एक समय पे जो है दीप्ति शर्मा ने लगातार जो है 3 ओवर में फेंक दिए 3 मेडन, जो कि एक भी रन नहीं दिए थे, उसी के साथ जो है विकेट भी झटके थे। बात करते हैं थर्ड रिकॉर्ड की, तो ये रिकॉर्ड आता है स्मृति मंधाना के नाम पे। भाई मंधाना जो है बन चुकी है फर्स्ट वुमेन जिसने जो है लगातार भारत के लिए T20 में 50 T20 के मुकाबले खेल चुकी है, और ये जो है अपने आप में नया रिकॉर्ड है। भाई अगर आप सभी फैन हो साकिब अल हसन के, तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। भाई साकिब अल हसन जो है जो अभी चालू है करेबियन प्रीमियर लीग, इसके अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे जो है BCB मतलब कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है साकिब को NOC दे दी है कि वो जो है CPM जाके खेल सकते हैं। भाई मुद्दा ये है कि जो प्लेयर है बारबेडोस ट्राइडेंट के संदीप लामिचा ने, वो दोस्तों अभी फिलहाल आगे कंटिन्यू खेल नहीं पाएंगे CPL में। तो दोस्तों ऐसे में जो है बारबेडोस की टीम ने साकिब को बुलाया है रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो भाई साकिब जो है संदीप लामिचाने के बदले में CPL का पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। भैया बात करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर सदाब खान की।
यहाँ पे जो है सदाब खान ने बहुत ही बड़ा फैसला और बहुत ही बड़ा बयान दिया है कि जो होने वाली है सीरीज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, उसके अंदर से जितनी भी हर एक मैच की मैच फीस जो है सदाब खान, पाकिस्तान में जो भूकंप आया है, जो अर्थक्वेक आया है, उसके ऊपर जो है सदाब खान अपनी मैच फीस को कंट्रीब्यूट कर देंगे। और ये जो है इनके द्वारा काफी अच्छा फैसला दिखाई देता है। और दोस्तों उसी के साथ जो एक और खबर ये आ रही है कि भाई जो श्रीलंका की टीम है वो जो है बिल्कुल सेफली पहुंच चुकी है कराची वनडे मैच की सीरीज के लिए। तो भाई ये जो है अच्छी खबर है कि जो श्रीलंकन प्लेयर है बिल्कुल सेफली पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के देश में। तो भाई एट द एंड जो है खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के ओपनर एरोन फिंच को लेके। तो भाई यहाँ पे जो है फिंच ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है और एक मांग की है, एक अपील की है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कि फिंच जो है टेस्ट मैच में एक और मौका चाहते हैं ओपनिंग करने का। भाई फिलहाल जो है एशेज में डेविड वार्नर ओपनर कम्प्लीटली फेल हुए, मार्कर हैरिस भी फेल हुए और कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग में फेल हो चुके थे, जिसको देखते हुए जो है एरोन फिंच ने कहा है भाई तुमने सबको मौका दे दिया तो दोस्तों क्यों ना एक बार दोबारा से एरोन फिंच के ऊपर भरोसा दिखाया जाए। एरोन फिंच मांग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से एक और बार टेस्ट में ओपनिंग करने की। आप सोच सकते हैं कि एक समय पे जो है वार्नर और फिंच टेस्ट में और वनडे में सब जगह ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरे पास आज के दिन की सारी न्यूज। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चाहते हो ऐसी न्यूज सुनना तो कल दोबारा से आइए हमारे चैनल के ऊपर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।